शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के रेयान गांव के निवासी एक युवक की हत्या के मामले का बैराड़ थाना पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बुधवार की सुबह बैराड़ थाना पुलिस ने रेयान आदिवासी कॉलोनी के निवासी प्रेम सिंह आदिवासी उम्र 45 वर्ष का शव जंगल से लहूलुहान अवस्था में बरामद किया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तब खुलासा हुआ कि मंगलवार की देर रात तक मृतक प्रेम सिंह आदिवासी अपने दोस्त चतुर सिंह और परमार सिंह के साथ जंगल में शराब पार्टी करने आया था। शराब पार्टी के दौरान विवाद होने पर परमार सिंह ने शराब के नशे में अपने दोस्त प्रेम सिंह के सिर पर लाठी से हमला कर दिया, जिसमें प्रेम सिंह आदिवासी की मौत हो गई। पुलिस को गुमराह करने आरोपी ने थाने पहुंचकर की शिकायत। परमार सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए बीती शाम बैराड़ थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ प्रेम सिंह ने मारपीट की है। पुलिस ने परमार की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है, परंतु कुछ देर बाद जंगल में शव होने की सूचना पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस की पूछताछ ने तीसरे साथी ने खोला हत्या का राज। प्रेम सिंह की हत्या करने के बाद परमार सिंह ने चतुर सिंह को धमकाते हुए किसी को कुछ ना बताने की धमकी दी थी, परंतु चतुर सिंह ने शाम ढलते ही घटित हुई घटना के बारे में प्रेम सिंह के दामाद माता दीन को पूरा घटनाक्रम बता दिया। इसकी सूचना तत्काल बैराड़ थाना पुलिस को दी। इसके बाद प्रेम सिंह के परिजन और बैराड़ थाना पुलिस प्रेम सिंह को ढूंढने जंगल की ओर निकले, जहां रात्रि लगभग 3 बजे उन्हें प्रेम सिंह का शव खून से लथपथ मिला। जंगल में बनती है शराब। मृतक के पुत्र विनोद ने बताया रेयान गांव के जंगल में कच्ची शराब बनाने का काम किया जाता है, जहां बिलपुरा का रहने वाला चतुर सिंह उसके पिता को कच्ची शराब की फैक्ट्री पर शराब पिलाने ले गया था, जहां पर परमार सिंह ने उसके पिता की हत्या कर दी। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? ये खत्म होगा, इनका क्या नाम है? ये जी वो कैसे खत्म होगा? ये कहीं गए थे? कहाँ गए थे? ये जंगल गए थे। काई को गए थे जंगल? लकड़ी लेने। अच्छा, किसके साथ गए थे? अकेले गए। अकेले गए थे? अरे इनकी कोई दुश्मनी थी क्या? पता नहीं है सर, दुश्मनी का पता नहीं है। तो कैसे हो सकता है इनका मर्डर? कौन ने किया हुआ? वो है चक्कू है, उसको पता होगा। कौन? चक्कू? अच्छा, उसको पता होगा। वो भी इसी के साथ थे क्या? उसी के साथ था। वो चक्कू मिला क्या आपको? नहीं था, हमने तो कुछ नहीं मिला। चक्कू नाम है क्या उसका? हाँ, चक्कू नाम। वो भी वहीं का? ये रैयन कॉलोनी का? नहीं, बिलपुरा का। वो बिलपुरा का है, उसी के साथ गया था। अरे ऐसी ऐसी बात है, अरे घर जाकर नहीं अभी तो मैं बोला करे कर बता तो जगह कौन सी जगह लेता हूँ। मैं जगह बताया मैं दे भैया जटाव बहुत पुलिस वाले ने पूछी जो तेना देता है वो बता दे। मैंने लेना तो नहीं दे, वो जाके मोड़े पे कह रहा हूँ फरमा लगे बेचाना फलाई दे मेरे सामने दे मेरे सामने मारो। अरे यार नहीं राम न दिमाग करे दो घंटा करे नहीं तो सत राम नहीं क्या मैंने उसके बारे में क्या जांच प्रश्न की थी उसके बाद आरोपी की किस प्रकार से घटना कल 8 तारीख के करीब 4:30 बजे की है। और ये घटना है यहाँ पर प्रकाश सदर घाटी नरिया के पास जंगल है जो रैयन गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ पर मृतक और आरोपी दोनों ही शराब पीकर जा रहे थे और मृतक का भी वहाँ पे खेत है जंगल में सरकारी जमीन पे, वो खेती वगैरह करता, सरसों वगैरह कोई नहीं, साथ में गए थे दारू की। तो अचानक शराब के नशे में दोनों में गाली घुटता होने लगा और उसी युवा व्यक्ति में तेज होकर आरोपी ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी मृतक के सिर में मार दी और गिर पड़ा। उसके बाद उसने नशे में उसको एक दो बार और कुल्हाड़ी से मार दी, इससे मृतक की मृत्यु हो गई। इस घटना का डस्टबिन गवाह चतुर सिंह है जिसका अभी वहाँ पर सरसों का खेत है और वहाँ से अपनी खेत से आ रहा था जिसको उसने घटना देखी है। उसके बाद आरोपी मृतक को वहाँ छोड़कर भाग गया। इसकी सूचना चतुर सिंह ने मृतक के दामाद माता दीन को दी, घर जाकर दी और उन्होंने वो जाकर उसको देखा कि वहाँ मृतक थोड़ा बहुत द्वारा
हड्डी डायर के माध्यम से पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस वहाँ पहुँची रात के समय, ट्रैक्टर से वहाँ पुलिस पहुँची और वहाँ पर कार्रवाई की। माता जी की तरफ से आरोप फरमाल के विरुद्ध मौके पर ही 302 की FIR लिखी गई और उसमें दबिश दी गई है, टीम बनाई गई है आरोपी परमार की दलाल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। संभवतः उसको आज या कल तक उसको